हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर, है ना। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, है ना। तो पहले चलो बातचीत करते हैं, समझते हैं पहले सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखो, वह सब्सटेंस जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच में लाइक रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अच्छा, मेटल जानते हो, मेटल क्या होता है, मेटल के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारा होता है ना। मेटल्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और न और जो इंसुलेटर होता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो वह देखो तीन, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वो होता जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद कर देता, इंसुलेटर वो होता जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता, सेमीकंडक्टर वो होता जिससे कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, कभी फ्लो नहीं करता, ठीक है। तो मेटल वह होता जिससे अच्छे से करंट क्या होता है, फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, वह सब्सटेंस, वह चीज़ है जिसका कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच में लाया जाता है। समझ में आ रहा है बात, मेटल जिसके अंदर क्या होता है, करंट फ्लो करेगा, इंसुलेटर जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा, और सेमी कंडक्टर वो होता है बीच का होता है, या मतलब क्या कि कभी कभी इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, कभी नहीं करता, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर, क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कितने केल्विन टेम्परेचर पर सेमी कंडक्टर इंसुलेटर बन जाता है, तो याद रखना 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक नंबर में पूछा है एचएस में क्वेश्चन, समझ में आया। विश टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, तो याद रखना 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। क्लियर है कहानी, समझ में आ रहा है क्या। वह सब्सटेंस जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच में लाया गया था उसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। मतलब क्या, नॉर्मल कुछ टेम्परेचर पे, 0 केल्विन पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे कुछ, मान के चलो तुम 300, 400, 500 ऐसे केल्विन टेम्परेचर पे गए, तब क्या हुआ, इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट फ्लो कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ। समझ में आ रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुआ, लेकिन इस टेम्परेचर पे जब तुम पहुंचे कुछ हाई टेम्परेचर, मतलब 500, 600 केल्विन के आसपास, तब इलेक्ट्रिसिटी इस सेमी कंडक्टर से क्या हुआ, फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो एक सेमी कंडक्टर के अंदर दो कंडीशन आ रहा है, कभी ऐसा हो रहा है एक टेम्परेचर पर ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इससे नहीं कर रहा है, लेकिन एक टेम्परेचर पर ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। तो सेमी कंडक्टर वह होता है जिसका कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच में लाया जाता है। समझ में आया क्या, हेलो, यस सर, ठीक है। तो कंडक्टर क्या होता है, वह सब्सटेंस जिससे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, कंडक्टर, और जिससे करंट फ्लो ही नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। और वह सब्सटेंस जिससे जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच में लाया जाता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेमीकंडक्टर, है ना, नाम ही है सेमीकंडक्टर, मतलब कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पूछेगा कौन से टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के तरह बिहेव करता है, तो क्या जवाब दोगे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के तरह बिहेव करता है। क्लियर है बात, यस सर, ठीक है ना। तो लिख लो यहाँ पे, द सब्सटेंस हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, the substance having electrical conductivity intermediate between लिखते हुए चलना that of metal and insulator are generally called सेमीकंडक्टर। समझ में आया बात, वह सब्सटेंस जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना मेटल और इंसुलेटर के बीच में लाया गया तो उसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है, चलो। अच्छा, आप कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता, वह डिवाइस जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं,
जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कहता है, कंट्रोल कहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वह डिवाइस जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कहता है, कंट्रोल कहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे पीएन जंक्शन डायोड हो गया है ना, ये सब क्या है, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है ना। हम लोग का फ़ोन हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, जो बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से मिलकर बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट क्या क्या हो गया, ट्रांजिस्टर डायोड सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। समझ में आ रहा है, कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, क्या बोलोगे, वह डिवाइस जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। समझ में आ रहा है, वह डिवाइस जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, डिवाइस चलो अब देखो ये सब पढ़े हो, 1s 2s 2p याद है, हेलो किसी को याद है ये वाला, नहीं सर। अरे केमिस्ट्री में नहीं किए ये कंफिग्रेशन। हाँ 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 सर। हाँ हाँ, तो यहाँ पे याद रखना क्या होता है इसके अंदर, इनर्जी बैंड के बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। क्या, किस पे बात करेंगे, इनर्जी बैंड के ऊपर। ठीक है, देखो ये जो है ना, ये सिंगल एटम के अंदर क्या होता है, इनर्जी लेवल होता है, 1s एनर्जी लेवल, 2s 3s 3p है ना। जैसे बात कर लेगा सोडियम का, क्या बात करें, सोडियम एटम का है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। कन्फिगेशन क्या होगा बोल पाओगे, 1s 2 2s 2 2p 6 2p6 3s 1 है ना, हुआ कि नहीं होगा, यस सर। है ना। तो हाँ हाँ, तो ये क्या है, ये सिंगल एटम का है, किसका है, सिंगल एटम। तो सिंगल एटम के अंदर जो एनर्जी लेवल्स होता है वो वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, हाँ सोडियम एटम है, इसका ये वाला एनर्जी लेवल है 1s एनर्जी लेवल, सेकेंड वाला ये 2s, ये 2p, ये 3s, एक वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल होता है। लेकिन लैटिस समझते हो, जब बहुत सारा सोडियम एटम एक साथ हो जाए तो क्या बन जाता है, लैटिस। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, सॉलिड स्टेट में पढ़े होगे तुम लोग, लैटिस नहीं पढ़े हो, SCC हाँ लैटिस, सर। FCC लैटिस है ना। हाँ हाँ हाँ, तो जब, हाँ तो जब सिंगल एटम था तो इनर्जी बैंड भी क्या था, एकदम वेल डिफाइंड था, स्मॉल था। समझ में आ रहा है, लेकिन जब बहुत सारा एटम एक जगह पे इकट्ठा हो गया तब क्या हुआ, अब क्या बन जाता है, इनर्जी बैंड बन जाता है, क्या बन जाता है, इनर्जी बैंड। समझ में आ रहा है क्या, जब सिंगल सिर्फ और सिर्फ सोडियम एटम था, सिर्फ और सिर्फ सोडियम एटम, तो इसके पास वेल डिफाइंड एनर्जी है, 1s 2s 2p सिंगल, ठीक है, वेल डिफाइंड एनर्जी है। लेकिन जब बहुत सारा सोडियम एटम, मान के चलो बहुत सारा सोडियम एटम एक साथ इकट्ठा हो गया, तब क्या हुआ, यहाँ पे एक एनर्जी का बैंड बन गया, 2s था ये, 2s एनर्जी बैंड, इतना गैप, समझ में, इतना थिकनेस हो गया इस एनर्जी बैंड का, 2s एनर्जी बैंड का, क्योंकि बहुत सारा सोडियम एटम एक जगह पे आ गया। समझ में आ रहा है, तो जब लैटिस का बात होगा ना, तो लैटिस में क्या होगा, एनर्जी बैंड डिफाइंड है। समझ में आ रहा है, लैटिस जब बनेगा, जब बहुत सारा एक जैसा एटम एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, तो क्या बन जाता है, एनर्जी बैंड बन जाता है। समझे, जब सिंगल होता है एटम तो वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल जो हम लोग पढ़ते हैं ऐसे ना पढ़ते हैं, 1s 2s 2p, कोई दिक्कत नहीं है सिंगल लाइन से, है कि नहीं। लेकिन जब बहुत सारा एटम एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एनर्जी का बताओ, बैंड बन जाएगा, BAND, बैंड एनर्जी बैंड, मतलब एक थिकनेस। ठीक है, देख पा रही हो, 3s कितना एनर्जी बैंड है इसका, अच्छा खासा थिकनेस है इसका। समझा अल्तमास, समझ में आया। हाँ सर। तो क्या होता है, इन अ सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, एक सिंगल, देखो ये वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन एक सिस्टम है ना, एटम सोडियम को मान के चलो, सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब फ्री एटम है, ये सोडियम एटम है, इस सोडियम एटम का क्या होगा, वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स है, जो तुम देख पा रहे हो, 1s 2s 2p 3s लाइन है ना, 4s है ना, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम है सोडियम का, है कि नहीं। ये सोडियम एक एटम के तो मान के चलो, ये अभी क्या है, फ्री है एकदम, सिर्फ एटॉमिक स्टेट में, अभी कोई दूसरे एटम के साथ नहीं जुड़ा है, ठीक है, एटॉमिक स्टेट में, तो इसके पास वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होगा है ना, 1s 2s 2p सिंगल सिंगल लाइन में। लेकिन जब यही सोडियम एटम एक जगह पे बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी का अच्छा खासा बैंड बन जाता है, देख पा रहे हो ऐसे। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में यही वाला बात हम लोग को समझना है।
तो फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है, वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होता है, लेकिन क्रिस्टल के अंदर बहुत सारा एटम्स होता है आपस में। ईच एटम इन द क्रिस्टल इज सराउंडेड बाई नेबर एटम। हर एक एटम जो होता है क्रिस्टल के अंदर अपने करीबी एटम से, बहुत करीबी एटम से जुड़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी लेवल जो होगा मॉडिफाइड होकर क्या बन जाता है, एनर्जी बैंड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ पा रहे हो, यहाँ पे लिख भी देते हैं। इसमें लिख देते हैं क्या, इन आ सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम देयर आर वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स, बट इन अ क्रिस्टल, या क्रिस्टल बोल दो या लैटिस बोल दो, है ना, समझ रहे हो, नहीं आएगा बोलेगा, देखो है ना। तो ये सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सिर्फ और सिर्फ सोडियम आके, जब सोडियम एटम अकेला है या फिर कोई भी एटम ले लो ना, जब वो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक स्टेट में सिर्फ सिंगल एटम है, तब क्या वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल इसके लिए डिफाइंड ऑलरेडी, जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, है कि नहीं, नाइन टेन से, टेन से इलेवन, इलेवन में तो यही ना पढ़े हो, वन एस टू एस, जब सिंगल एटम है तब। और जब बहुत सारा एटम, एक जैसा एटम एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, तब क्या बन जाएगा वहाँ पर, जब लैटिस बन जाएगा उसका, तो सिर्फ और सिर्फ वेल डिफाइंड एनर्जी मतलब सिर्फ सिंगल लाइन नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, एनर्जी का बैंड बन जाएगा, बी एन डी, समझ पा रहे हो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट इन अ क्रिस्टल देयर आर, क्रिस्टल के अंदर क्या होता, क्रिस्टल बोल दो या फिर क्या बोल दो, लैटिस भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, बट इन अ क्रिस्टल बोल दो या फिर लैटिस, इसके अंदर क्या होता है, देयर आर मेनी एटम्स, इसके अंदर बहुत सारा एटम्स होता है, और हर एटम, ईच एटम इन द क्रिस्टल, हर एटम जो होता है क्रिस्टल के अंदर, ईच एटम इन द क्रिस्टल इज सराउंडेड बाय, किससे सराउंडेड रहता है, सराउंडेड बाय नेबरिंग एटम, बहुत सारा करीबी एटम जो होता है आपस में जुड़ा हुआ, नाइबर से बहुत सारा कनेक्टेड रहता है, नाइबरिंग एटम्स, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे करीबी एटम से जुड़ने, एक जगह पे क्रिस्टल में बहुत सारे नाइबरिंग एटम से जुड़ने की वजह से क्या बन जाता है इसके अंदर, ड्यू टू दिस एनर्जी लेवल जो होता है वो तो किस में मॉडिफाई हो जाता है, गेट्स मॉडिफाइड एंड कन्वर्टेड, मॉडिफाई या कन्वर्ट किस में हो जाता है, इनटू एनर्जी बैंड्स, एनर्जी बैंड्स, समझ में आ रहा है क्या। देखो सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल होता है, बट क्रिस्टल के अंदर देखो वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल है ना यहाँ पे, लेकिन क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, बहुत सारा एटम आपस में क्या आता है, नाइबर एटम से जुड़ा हुआ आता है, इसके वजह से एनर्जी लेवल जो होता है वो मॉडिफाई किस में हो जाता है, बोलो, एनर्जी बैंड एनर्जी बैंड में, समझ में आया क्या, यहाँ तक किसी को तो प्रॉब्लम है, यहाँ तक बोलो यस सर, क्या प्रॉब्लम है, बोलो, कुछ नहीं। चलो ठीक। और फरीदीन, फरीद ठीक है सर, समझ गया। आगे बढ़ें, यस सर, हाँ सर, यस सर, चलो ठीक। अच्छा वैलेंस शेल क्या होता है जानते हो ना, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ना, लास्ट शेल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। सोडियम का वैलेंस शेल कौन सा है, ये थ्री जो है ये क्या है, वैलेंस शेल है ना। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, देखो तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ये बात पता है ना सबको, हाँ
यस सर। अरे वैलेंस बैंड, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल नहीं पता है? लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल जो होता है एकदम लास्ट शेल उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल बोलते हैं। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, इन सब का क्या बना हुआ है? एनर्जी लेवल्स का डायग्राम, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, कैसे क्या होता है इसके अंदर, सब बात को समझना है, ठीक है? फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग क्या कहना है, समझना है, ठीक है? तो मान के चलो यहाँ पे सब बात समझते हैं। ये है तुम्हारा वैलेंस बैंड। अच्छा, हमको करंट को फ्लो कराने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा? कंडक्शन बैंड में लेके जाना होगा। कहाँ लेके जाना होगा? वैलेंस बैंड। मतलब क्या? अपने लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? ये न्यूक्लियस, और ये इसके क्या वैलेंस सेल है, इसके अंदर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रहने से नहीं चलेगा, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा? उठा करके तुमको कंडक्शन बैंड में लेकर के जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा, फ्लो करेगा। जब फ्लो करेगा तो क्या मिलेगा तुमको? करंट मिलेगा। समझ पा रहे हो बात? तो सिर्फ और सिर्फ वैलेंस बैंड में रहने से तुमको करंट नहीं मिलेगा। क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लेकर के जाना होगा। कंडक्शन बैंड में जाने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे क्या मिलेगा तुमको? करंट मिलेगा। समझ पा रहे हो बात? यस ठीक सर। है, तो वैलेंस बैंड जो उसके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया? वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड के अंदर आ गया, ठीक है? अब क्या करना होगा? उस इलेक्ट्रॉन को उठा करके हमको क्या करना होगा? कंडक्शन बैंड में लेके जाना होगा, है ना? अगर कंडक्शन बैंड में जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तब क्या होगा? यहाँ से करंट, जब यहाँ पे जाने के बाद ये फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है? तो हमको क्या मिलेगा इससे? करंट मिलेगा। समझ पा रहे हो बात? बोलो, हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ चल यहाँ देखो, समझते हैं इसको और अच्छे से। मान लो ये तुम्हारा क्या है? वैलेंस बैंड है। ये कौन सा बैंड है? वैलेंस बैंड। अच्छा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये है वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। ये क्या है तुम्हारा? कंडक्शन बैंड। ये क्या है? कंडक्शन बैंड, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वैलेंस बैंड में ऑलरेडी रहता है ना? लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब बहुत सारा एटम आपस में एक जगह पे इकट्ठा रहेगा तो क्या बन जाएगा? वैलेंस बैंड बन जाएगा, है कि नहीं? अरे जब सिंगल एटम का बात करेंगे तो सिंगल, बिल्कुल एक सिंगल एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसको तुम क्या बोलोगे? वैलेंस शेल बोलोगे। और जब बहुत सारा एटम एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा, लैटिस में जब एक जगह पर इकट्ठा रहेगा तो तुम क्या बोलोगे उसको? वैलेंस बैंड बोल दोगे, है कि नहीं? हाँ सर। तो ये क्या बन गया? वैलेंस बैंड। तो देखो, वैलेंस बैंड के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, ठीक है? लेकिन वैलेंस बैंड में ही रहने से क्या करंट मिल जाएगा तुमको? नहीं। तुमको क्या कहना होगा? इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से उठा करके कंडक्शन बैंड में पहुंचाना पड़ेगा। कंडक्शन बैंड में जाने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस जब तुम अप्लाई करोगे तब जाके करंट मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन। उसके लिए क्या करना होगा? हम लोगों को कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। तो जब हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी को गेन करेगा और कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। समझ पा रहे हो बात? हाँ, तो देखो, यस सर। तो वैलेंस बैंड से लेकर के हमको क्या करना होगा? कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है? जो इंसुलेटर के केस में हम लोग इतना एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है? इंसुलेटर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहता है, ठीक है? लेकिन हमको जब करंट चाहिए तो क्या करना होगा? वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को उठा करके कंडक्शन बैंड में लेके जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। तो इंसुलेटर के अंदर क्या होता है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, बहुत ज़्यादा गैप। इतना एनर्जी तुम प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसलिए इंसुलेटर जैसे वुड हो गया, तुम्हारा प्लास्टिक हो गया, ये सब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप रहता है। समझ पा रहे हो? सेमी कंडक्टर के अंदर जो होता है वो क्या होता है? देखो डायग्राम में, बहुत ही कम होता है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है, एनर्जी गैप, वो बहुत ही कम होता है। तो हम लोग थोड़ा सा एनर्जी देने पे क्या होता है? देखो क्या बोले थे, 0 केल्विन अगर टेम्परेचर रहेगा, मतलब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, तो इसमें तुम कुछ एनर्जी ही नहीं दिए हो तो इलेक्ट्रॉन तो अपने आप उठ के नहीं ना जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? कुछ टेम्परेचर
टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे मतलब एनर्जी इसको मिलेगा, तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी गेन करके क्या करेगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है। इसलिए सेमी कंडक्टर जो होता है जीरो केल्विन टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, वो इंसुलेटर का तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे थोड़ा, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ना गैप जो है बहुत कम है, इतना एनर्जी अगर दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाएगा कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ पा रहे हो बात, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर में क्या होता, बैंड गैप, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता। और कंडक्टर के अंदर तो कोई गैप ही नहीं होता, आपस में क्या रहता है, दोनों ओवरलैप रहता है। इसलिए देखो कॉपर वायर, जैसे कॉपर वायर से कुछ भी तुम बल्ब जला रहे हो, जैसे स्विच ऑन करते हो वैसे ही बल्ब जलने लगता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर तुम सेमी कंडक्टर मटेरियल यूज़ करोगे तो ऐसा नहीं होगा, उसके लिए तुमको थोड़ा क्या करना होगा, वोल्टेज को थोड़ा मतलब थोड़ा एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल वोल्टेज पे काम नहीं करेगा वो। इसलिए सेमी कंडक्टर जो डिवाइस होता वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जाने के बाद स्टार्ट होता है। कुछ एनर्जी को क्या कहता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, गेन करता है, किस लिए गेन करता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, समझे। तो कुछ वोल्टेज खुद में देखो ना, जब तुम प्रैक्टिकल करते होगे, जब तुम पीएन जंक्शन डायोड का प्रैक्टिकल किए होगे, तो क्या किया गया था, देखे तो देखे होगे उसमें, कि जब हम लोग 1 वोल्ट किए तो करंट फ्लो नहीं किया, 2 वोल्ट किए नहीं किया, 3 वोल्ट के तो किया, तो ये जो इतना था क्यों नहीं कर रहा था, तो वो जो वोल्टेज जो जा रहा था वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, कहाँ से कहाँ जाने के लिए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, समझ में आ रहा है बात, यस सर। की हो ये वाला प्रैक्टिकल हुआ था पीएन जंक्शन का, तो देखे होगे इसमें, हाँ हुआ था, समझ में आ रहा है बात, कैसे हुआ था, क्यों हो रहा है ऐसा, यस सर। अल्तमास फाइद याद आ रहा है तुम लोगों को, क्लियर है कि नहीं, जल्दी नहीं आ रहा है पूछोगे, देखो हेलो, अरे बोलो जल्दी जल्दी बोलो, फैदीन अल्तमास, अरे बोलो जल्दी, आगे बढ़ेंगे ना, हेलो। सर एग्जांपल में सोडियम की जगह कोई भी हाँ हाँ सर, हाँ वो तो हाँ, एग्जांपल कुछ भी, हम तो सोडियम लेके समझा रहे हैं, तुम किसी को ही बात करोगी, एग्जांपल से बता रहे हैं। सिर्फ सोडियम नहीं, सेमी कनेक्टर, सोडियम सेमी कनेक्टर थोड़ी ना है, तो हम एग्जांपल लेके समझाएं, क्या समझाएं, ये समझाएं लाइन एनर्जी मतलब वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड के बारे में समझाएं, समझे। इसलिए जर्मीनियम है ना, सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया, जर्मीनियम हो गया, ये सब क्या है, सेमी कंडक्टर है, गैलियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, समझ में आ रहा है, ये सब क्या है, सेमी कंडक्टर है, ये सब सेमी कंडक्टर है, मतलब कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, कभी कभी नहीं करेगा, समझ पा रहे हो, स्कूल में प्रैक्टिकल सर किए होगे इसके ऊपर। और कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर तुम देखते हो ना, जो जो वायर हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, ये सब वायर में जैसे स्विच ऑन करते हो वैसे क्या होता है, चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है, कंडक्टर होता है, कंडक्टर तुम जानते हो, कंडक्टर जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब उसके अंदर जो रहता है इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे ही पहुंचा हुआ रहता है, समझ पा रहे हो, उसमें हमको ज़्यादा एनर्जी देने का जरूरत नहीं पड़ता, सिर्फ स्विच ऑन करते हैं करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस लगता है, और करंट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा तो हमको करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सेमी कंडक्टर के अंदर ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में कुछ गैप है, तो उस गैप के लिए क्या कहता है, वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या कहता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है, उसके बाद करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। इसलिए कुछ वोल्टेज जो होता है ये इस एनर्जी को गेन करने में वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन को चला जाता है, समझ पा रहे हो, इसलिए वो 2 वोल्ट के बाद स्टार्ट होता है, या 2.5, सबका अलग अलग दिया जाता है, आगे जाओगे तो समझोगे। अभी पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लेशन रीजियन के बारे में और कंसेप्ट आएगा, यहाँ तक बात क्लियर है, बोलो। यस सर। अब सुनो होगा क्या, देखो देखो नॉर्मली क्या होता है, यहाँ देखो, हाँ ये वैलेंस बैंड है ना, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन सब है ना, ये रुका हुआ नहीं रहता, ये इधर उधर भागता रहता है, समझ पा रही हो, मतलब ऊपर यहाँ जाने का कोशिश करेगा, मान लो यहाँ से यहाँ गया और वापस चला आया, फिर इसको कुछ मान के चलो कुछ एनर्जी मिला इस वाले इलेक्ट्रॉन को, ये यहाँ से यहाँ गया और फिर जाके वापस चला आया, ठीक है, मतलब कोशिश कर रहा है लेकिन उतना एनर्जी नहीं है कि वो कंडक्शन बैंड में जा पाए, ठीक है ना, समझ पा रहे हो बात क्या बोल रहे हैं हम, हाँ सर।
ठीक है ना। तो मान के चलो एनर्जी मिला है इसको, कुछ एनर्जी आया मान के चलो, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके कंडक्शन बैंड में जाने की कोशिश करेगा, है कि नहीं। लेकिन ये कुछ हाइट तक गया, कुछ हाइट तक गया, वापस चला आया, क्योंकि क्यों, क्योंकि उसके पास उतना एनर्जी नहीं है कि वो कंडक्शन बैंड में चला जाए, समझ पा रहे हो। तो याद रखना वह जगह, यस सर, वह लाइन है ना, पूछेगा तो वह इनर्जी, तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल, वह हाईएस्ट एनर्जी लेवल जिस पे इलेक्ट्रॉन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल। एक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन जो हाईएस्ट एनर्जी, तो देखो ना हाईएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा हुआ, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इस हाइट पे जा करके वापस चला आ रहा है, तो ये वाला मैक्सिमम हाइट यही ना हो गया, मैक्सिमम एनर्जी लेवल यही ना होगा इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड के अंदर, कि हाँ ये गेन कर रहा है कुछ एनर्जी, अब मैक्सिमम जो अपने एनर्जी को गेन करके वो जा पा रहा है वो इसी हाइट तक, यही एनर्जी लेवल तक जा पा रहा है। तो इस वह, तो याद रखना एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल होता है जो इलेक्ट्रॉनों को पाया करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल। समझ में आया बात। तो फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, तो ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल है जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ऑक्यूपाई करता है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। देखो ये वैलेंस बैंड, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सब है, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं रहेगा, क्या करेगा, इसको थोड़ा मोड़ जहाँ से भी एनर्जी मिल रहा है ये गेन करेगा और ऊपर भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जब यहाँ तक पहुँच गया, इसका एनर्जी गायब हो गया, फिर वापस चला आया, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एनर्जी लेवल वह, मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, एट जीरो केल्विन टेम्परेचर पे वह मैक्सिमम एनर्जी लेवल जिस पे एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल। द मैक्सिमम एनर्जी लेवल दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई, वह मैक्सिमम एनर्जी लेवल जिस पे एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या, तो पूछेगा फर्मी एनर्जी लेवल क्या है, जवाब दे पाओगे, मैक्सिमम एनर्जी लेवल जो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है कौन से स्टेट पे, जीरो केल्विन टेम्परेचर पे, मतलब क्या, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एक इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल को ऑक्युपाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं। समझ में आया। सर और सबको यस ना फर्मी एनर्जी लेवल, इसको सही से याद रखना, पूछेगा व्हाट इज़ फर्मी एनर्जी लेवल, पूछता है, ठीक है। तो वह मैक्सिमम एनर्जी लेवल जो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है, वह मैक्सिमम एनर्जी लेवल जो इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है, कब ऑक्युपाई करेगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब जीरो केल्विन टेम्परेचर पे वह मैक्सिमम एनर्जी लेवल जिसको एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल। मान के चलो ये क्या है तुम्हारा, अच्छे से समझना, ये है मान के चलो तुम्हारा वैलेंस बैंड है, क्या है ये, वैलेंस बैंड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, समझने के लिए बहुत छोटे छोटे एनर्जी लेवल में तोड़ लेते हैं, ध्यान से देखोगे यहाँ पे, इसको और अच्छे से क्लियर करो। मान लो ये वैलेंस बैंड को हम लोग छोटे छोटे बहुत सारे एनर्जी लेवल में तोड़ लिए, समझ पा रहा है क्या। और यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी है, यस और यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी है, या देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये सब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी है, वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ही, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन सब है। तो इलेक्ट्रॉन तो रुका हुआ नहीं रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन के पास तो एनर्जी तो रहेगा ही, थोड़ा थोड़ा एनर्जी या तो सराउंडिंग से लेगा, कहीं ना कहीं से तो उसको एनर्जी मिलता रहेगा, ठीक है। तो जब एनर्जी मिलता रहेगा तो वो रुका हुआ नहीं रहेगा, क्या करेगा, जब थोड़ा सा भी एनर्जी आया ये यहाँ से क्या करेगा, ऊपर भागने की कोशिश करेगा, यहाँ से उठेगा ऊपर जाने का कोशिश करेगा, ठीक है। मान के चलो मैक्सिमम ये इलेक्ट्रॉन जीरो केल्विन टेम्परेचर पे, ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इसी हाइट पे गया और इस हाइट पे जाने के बाद वापस चला आया, ये इलेक्ट्रॉन उठा मान के चलो इस हाइट पे गया फिर यहाँ से जा करके वापस चला आया, है ना, समझ में आ रहा है क्या। ये लोग जाने का कोशिश कर रहा है, कंडक्शन बैंड में जाने का कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है, कुछ दूर जा करके, कुछ दूर जा करके बोलो, अरे बोलो, कुछ दूर जा करके क्या कर रहा है, वापस आ रहा है। हाँ, तो वह मैक्सिमम एनर्जी लेवल जिस पे एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर पे, उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, तो इस लाइन को हम लोग क्या नाम दे देंगे, बोल पाओगे, ये जो लाइन जिस पे इलेक्ट्रॉन एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर पे जा पा रहा है मैक्सिमम इस एनर्जी लेवल पे, तो इस एनर्जी लेवल का नाम क्या दिया गया, फर्मी एनर्जी लेवल।
समझ में आया कि नहीं आया बताओ, अभी किसी को डाउट यस है सर। बोलो, नहीं आ रहा है फिर से पूछो, दो बार तीन बार जो भी देखो क्लियर हो रहा है। पूछेगा ये व्हाट इज हाँ फर्मी सर, एनर्जी ओके। लेवल, तो एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर पे, तो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन कोशिश करता रहेगा ऊपर जाने का, तो मैक्सिमम लेकिन जा नहीं पाएगा। अब हम जब इनर्जी देंगे तब हाँ इतना इनर्जी मिल गया कि हाँ अब ये कंडक्शन बैंड में चला जाए, तो अभी हम इनर्जी नहीं दे रहे हैं बाहर से, है ना। कब का बात कर रहे हैं, कंडीशन है, कब का कंडीशन है, जब टेम्परेचर जीरो केल्विन हो, तो एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर पे एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर जा पा रहा है, जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन जा पा रहा है उस एनर्जी लेवल को हम लोग क्या बोल देते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल बोल देते हैं। समझ में आ रहा है बात। उसके बाद जब हम लोग बाहर से एनर्जी देंगे, एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके सीधा कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। समझ पा रहे हो। बोलो हेलो। यस सर, हाँ सर आ गया ठीक है, तो आ गया आ गया। पूछता है व्हाट इज फर्मी एनर्जी लेवल, तो क्या जवाब देना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये बहुत आएगा, याद करके जाना है इसको, एकदम आएगा ही आएगा, नहीं आने का कोई चांस ही नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दी हाईएस्ट एनर्जी लेवल, दी एच आई जी एच ई हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो डैट एन इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है, कैन ऑक्यूपाई, कब ऑक्यूपाई करेगा बोल पाओगे, वह हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा, कब ऑक्यूपाई करेगा, कब करेगा, वह हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा कब, एट मैक्सिमम एब्सोल्यूट कौन से टेम्परेचर पे, एट एब्सोल्यूट जीरो। जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है, मतलब जीरो केल्विन का बात हो रहा है। पूछा है ये क्वेश्चन, देखना 2019 का पेपर है ठीक है ना, 2019 में क्वेश्चन पूछा था ये, एक नंबर में। इसको बोलते हैं हम लोग इज नोन एज फर्मी एनर्जी लेवल, समझ में आया बात, तो वह हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है, कब ऑक्यूपाई करता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, उसको हम लोग बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। क्लियर है बात, यस सर। हाँ सर। आगे बढ़ें। हाँ चलो यहाँ तक बात क्लियर है ना, समझ में आ रहा है क्या, देखो तुमको एग्जाम में डायग्राम यस देगा सर। बनाने के लिए ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग बात किए हैं, वह सब्सटेंस जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच में लाया गया था, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। वह डिवाइस जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जब सिंगल एटॉमिक स्पीसीज है, तो उसके लिए वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल है, देख पा रहे हो 1s 2s सिंगल, वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल है, सिंपल एटॉमिक स्पीसीज है ना, सोडियम एटम का बात कर लेते हैं अगर, तो इस तरह का एनर्जी लेवल वेल डिफाइंड होगा है कि नहीं। लेकिन बहुत सारा जब एटम एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, तो लैटिस बन गया ना, तो लैटिस बनने के बाद इनर्जी लेवल नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा वो बताओ, बैंड, है ना, एनर्जी बैंड। इनर्जी लेवल से इनर्जी लेवल से बन जाएगा इनर्जी बैंड, इनर्जी लेवल से बन जाएगा इनर्जी बैंड ठीक है ना, बहुत सारा बैंड बन जाए, क्लियर है कहानी। तो ये कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं, सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल होता है, लेकिन एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारा एटम होने के वजह से हर एक एटम जो होता है क्रिस्टल में, वो करीबी एटम से अटैच रहता है, तो इसके वजह से क्या होता है, एनर्जी लेवल जो होता है किसमें मॉडिफाई हो जाता है, गेट्स मोडी एनर्जी लेवल मॉडिफाई हो जाता है, क्या बन जाता है, एनर्जी बैंड बन जाता है। क्लियर है बात। यस एब्सोल्यूट सर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल पे मैक्सिमम एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल बोल देते हैं, फर्मी एनर्जी है ना, लेवल। ये वह एनर्जी लेवल यस सर। है जिस पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाता है और चला आता है। समझ में आ रहा है क्या, हाईएस्ट इसी को ऑक्यूपाई कर पाता है यस नॉर्मल टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ठीक है। अब देखो कंडक्टर इंसुलेटर सेमी कंडक्टर तीनों का अलग अलग डायग्राम है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का है ना, तो ये वाला डायग्राम तुमसे बनाने के लिए देगा एग्जाम में कि बना के दिखाओ,
एनर्जी गैप का डायग्राम बना करके दिखाओ, एक कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए, है ना? तो क्या जवाब देना है तुमको? सेमी कंडक्टर इंसुलेटर के लिए कैसे बनाना है? अच्छा, इसको हम पहले बना लेते हैं सही से। देखो आएगा ये, इसको सही से बनाना। देखो ऊपर में बनाया हुआ है, इसको सही से बनाना है। हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ देखो, ये है तुम्हारा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सब है बहुत सारा। ये है तुम्हारा वैलेंस बैंड। कौन सा बैंड है? वैलेंस वैलेंस बैंड, बैंड है ना? और ये कौन सा बैंड है? कंडक्शन कंडक्शन बैंड, है कि ना? और ये जो है, ये क्या है, ये वाला जानते हो? ये जो गैप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैप अच्छा, इस इधर इनर्जी का डाय, इनर्जी है ना, एनर्जी इनर्जी। हाँ, ये जो गैप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन इनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन इनर्जी गैप। और ये जो इनर्जी गैप होता, कितना देखो, तो ये जो इनर्जी गैप है, कम है या ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है ना। तो ये इतना ज़्यादा इनर्जी गैप किसके अंदर होता? इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा होता है इनर्जी गैप, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में हम लोग अचीव नहीं कर पाते, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। समझ पा रहे हो? देखो इस डायग्राम को भी देख लो, देख पा रहे हो? सबका सब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? जितना का जितना इलेक्ट्रॉन है, सब वैलेंसी बैंड में है ना? तो हम लोग इतना एनर्जी नहीं दे पाते कि इलेक्ट्रॉन उठ करके कंडक्शन बैंड में चला जाए। देखो कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन है, बोलो तो है? देखो, अरे बोलो, देखो है, कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे एक भी नहीं इलेक्ट्रॉन है, है? नहीं है ना? तो हाँ, तो इंसुलेटर के अंदर कंडक्शन नहीं। बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं ना आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो करंट मिल जाएगा तुमको, तो नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? तो पूछेगा एनर्जी लेवल डायग्राम बना करके दिखाओ, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड, मतलब एनर्जी का, एनर्जी लेवल का डायग्राम बना करके दिखाओ इंसुलेटर के लिए और सेमी कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए भी, तो ये वाला बनाना है, ठीक है ना? अब बैंड गैप बहुत ही ज़्यादा होता है इंसुलेटर में, हम लोग अचीव नहीं कर पाते, लेकिन सेमी कंडक्टर में क्या होता? हाँ, इतना होता है कि हम क्या कहते हैं? अचीव कर पाते हैं। देख पा रहे हो क्या? एनर्जी देने पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके यहाँ पे चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है, हम लोग एनर्जी देते हैं। तो समझ में आ रहा है? और कंडक्टर के अंदर देने का जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी क्या यस होता है? कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड ओवरलैप रहता है एक दूसरे को, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में पहुंचा जाता है। कहाँ? कंडक्टर के अंदर। समझ पा रहे हो? हेलो, बोलो। हेलो, अरे बोलो जल्दी जल्दी बोलो, आगे बढ़े हैं, चुप है एकदम, नहीं आ रहा है तो बोलो। यस सर यस अल्तमस सर फायदीन, यस सर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो ये वाला डायग्राम, तीनों का डायग्राम बनाना है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में होमवर्क करके लाओगे, इसको देखेंगे। समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी बोलो, ये वाला डायग्राम समझ में आया कि सबके आसो लिए अलग अलग बना यस है? सर इंसुलेटर का समझ में आया, एनर्जी गैप ज़्यादा देना है, सेमी कंडक्टर में एनर्जी गैप कम देना है, हाँ कंडक्टर के अंदर तो देना ही नहीं, ओवरलैप करा देना है ना, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है। तुरंत करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर, वोल्टेज अप्लाई करने पर करंट मिल जाता कंडक्टर के अंदर, सेमी कंडक्टर में कुछ देर के बाद मिलता। समझ पा रहे हो बात? यस सर चलो, अब यहाँ तक हो गया, ये भी हो गया, ये भी बात कर लिए हम लोग। अब सुनो, अब यहाँ पे नया नया बात, अब जो यहाँ से वैलेंस बैंड से ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब नया बात आता है होल का कंसेप्ट, ठीक है ना? देखो क्या हुआ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से उठ के कहाँ जाएगा, बोल पाओगे? कंडक्शन बैंड में जाएगा ना? इलेक्ट्रॉन हाँ वैलेंस सर बैंड से उठा और कहाँ गया? कंडक्शन बैंड में। अब देखो, तो वैलेंस बैंड से तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के कंडक्शन बैंड में चला गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा वैलेंस बैंड में? वैलेंस बैंड में क्रिएट हो जाता है, क्या क्रिएट हो जाता है? होल क्रिएट हो जाता है, क्या क्रिएट हो जाता है? होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना? होल यस सर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से उठा, चला गया कंडक्शन बैंड में, तो वैलेंस बैंड में क्या बन गया? होल बन गया इस जगह पे। समझ
समझ पा रहे हो बात? ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के अगर यहाँ चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया, तो यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे बन गया हो, समझ पा रहे हो? हाँ सर, यस ठीक सर, है, तो यहाँ पे लिखना है इसको हाँ अच्छे। सर, देखो देखो, इफ एनी इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम अ बॉन्ड ऑफ एन एटम, देखो कोई कोई भी एटम के बॉन्ड से कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हटता है, रिलीज होता है, तो क्या होता है? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी होने के वजह से क्या क्रिएट हो जाता है? एक होल क्रिएट हो जाता है। देखो ना, यहाँ से होल, टूटा, यहाँ से हटा इलेक्ट्रॉन और चला गया ऊपर, तो यहाँ पर क्या बन गया? होल क्रिएट हो गया है कि नहीं, है होल, ना? यस, तो होल क्या होता है, याद रखना, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है? होल समझने के लिए कंसेप्ट है बस, उसको पॉजिटिव चार्ज से डिनोट कर देते हैं हम लोग होल को, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कमी है वहाँ पे, ठीक है। तो होल क्या होता है पूछेगा इसमें सेमीकंडक्टर के अंदर, देखो तो लिखो, क्या लिखोगे? इफ एनी इलेक्ट्रॉन इज रिलीज अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है बॉन्ड से, एक एटम के बॉन्ड से कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज हो जाता है, समझ में आ रहा है बात? तो ये जो वैलेंस बैंड है, तो इसके अंदर एक दो एटम तो नहीं होगा ना, बहुत सारा एटम क्या होगा आपस में जुड़ा हुआ होगा ऐसे ऐसे, है कि नहीं? और सबका इलेक्ट्रॉन भी होगा ना वैलेंस बैंड के अंदर इस तरह से, हाँ कि ना? तो एनर्जी देने पर क्या होगा, यस कुछ सर, शेयर करके भी बॉन्ड बनाया होगा आपस में, तो टूटेगा इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? ये मतलब बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागेगा, है कि नहीं? तो और ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा यहाँ से हट करके, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा। तो इफ एनी इलेक्ट्रॉन, क्या लिख रहे हैं हम? अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से टूट जाता है, रिलीज फ्रॉम अ बॉन्ड ऑफ एटम, एक एटम के बॉन्ड से रिलीज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है उसको, तब क्या होता है? द डिफेक्ट, वहाँ पे गायब, डिफेक्ट मतलब क्या होता है? जगह खाली हो जाता है, गायब हो जाता है वहाँ पे। द डिफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन जो वहाँ से गायब हो गया, कमी जो हो गया इलेक्ट्रॉन का, डिफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो वहाँ से कमी हो गया, डिफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पोजीशन पे, एट दैट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का जो कमी हो गया उस पोजीशन पे, उसको क्या बोल दिया जाता है? इज रिगार्डेड एज अ होल, उसको क्या क्या चीज से बोला जाता है? होल बोल दिया जाता है, समझ में आ रहा है बात? उसका इफेक्टिव चार्ज क्या दे दिया जाता है? इसका जो चार्ज दे दिया जाता है, इफेक्टिव चार्ज क्या बोला जाता है इसको? प्लस प्लस ई, ठीक है, इससे डिनोट किया जाता है। हाँ, पर याद रखना, याद रखने वाला बात क्या है कि ये कोई चार्ज नहीं है, ऑल दो इट इज नॉट अ रियल पार्टिकल, ये कोई रियल पार्टिकल नहीं है समझने के लिए, ऑल दो इट इज नॉट अ रियल पार्टिकल, ये कोई रियल में कोई पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन का कोई पार्टिकल नहीं है, समझ में आ रहा है बात? तो कोई पूछता है होल क्या है, तो क्या जवाब देना है? अगर एक बॉन्ड में से बॉन्ड टूटा तो क्या होगा? इफ एनी, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में से क्या हुआ, टूट करके रिलीज कर दिया गया उसको, तो क्या होता है वहाँ पे? क्या होता है? देखो ना, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन उठा और चला गया कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? एक होल क्रिएट हो गया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन, इफ एनी इलेक्ट्रॉन, अगर वो बॉन्ड से रिलीज कर दिया जाता है, एक एटम के बॉन्ड से रिलीज कर दिया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जो कमी हो जाता है उस पोजीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? होल बोल देते हैं, समझ में आ रहा है बात? जब एक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने पे क्या हो गया? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिए हम लोग, एक एटम के अंदर जो एटम के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ था उसमें से क्या किया? इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया ना, इलेक्ट्रॉन उठ करके कंडक्शन बैंड में चला गया, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया यहाँ पे? कमी हो गया। तो ये जो डिफेक्ट, डिफेक्ट जो यस हो गया इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे, उस जगह को हम लोग क्या बोल देते हैं? होल बोल देते हैं, उसको हम लोग प्लस ई से होल, रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये कोई रियल में कोई पार्टिकल नहीं है, समझ में आया? यस सर, ठीक है ना? यस अगर सर, कोई इलेक्ट्रॉन एक एटम के बॉन्ड से रिलीज हो जाता है, एक एटम के बॉन्ड से अगर एक इलेक्ट्रॉन हट गया, वहाँ से हट के मान चलो कंडक्शन वैलेंस बैंड से हट करके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, तो उस जगह पे क्या क्रिएट हो जाता है? होल क्रिएट होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा है वहाँ पे क्या होल, क्रिएट होता है? होल क्रिएट होता है, समझ में आया बात? यस सर, चलो इस बात को भी याद रखना है। हाँ, अब यहाँ पे कुछ बात और तुमसे वेरिएशन पूछता है, ठीक है? वेरिएशन का मतलब
टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर के अंदर क्या होता है, ये बात पढ़ चुके होगे, कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है? बोल पाओगे? कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है? नहीं बोल पाओगे? कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन सब कंडक्शन बैंड, करता सुनो, कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन सब क्या आता है, कंडक्शन बैंड के अंदर रहता है, ठीक है? तो हम क्या कहते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन सब कंडक्शन बैंड में है और इनर्जी दे रहे हैं हम लोग, वो इलेक्ट्रॉन सब आपस ही में क्या करेगा, कोलिजन करना स्टार्ट कर जाएगा, मतलब टकराना स्टार्ट कर जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, रेजिस्टेंस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, बढ़ जाता है, समझ में आ रहा है? तो करंट कम फ्लो करेगा उसके साथ, ठीक है ना? तो कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन सबको और ज़्यादा एनर्जी मिल गया, वो आपस में क्या करता है, कोलाइड करना स्टार्ट कर जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जब एक वायर से करंट फ्लो होता तो कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी जो उस करंट को फ्लो होने से रोकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोकता रेजिस्टेंस है बोलते हैं, है रेजिस्टेंस। ना? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो ना, इलेक्ट्रॉन या कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में है, तुम और टेम्परेचर बढ़ा रही हो, अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सब आपस में क्या करेगा, टकराना स्टार्ट कर जाएगा, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, वो करंट फ्लो होने में हेल्प नहीं होगा, उतना ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करेगा, वो हीट एनर्जी, वो कंडक्टर क्या करेगा, ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज करेगा, जिसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, देखो नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है और कंडक्शन बैंड में रहता है सब, तो हीट एनर्जी हम लोग जहाँ करंट फ्लो कराते हैं क्या होता है, हीट, वो करंट जो होता है किस एनर्जी के फॉर्म में बाहर आना स्टार्ट होता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में आना स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग उसको हीटर में यूज़ करते हैं, है ना? इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, या फिर जिससे अब जिस पर हम लोग खाना बनाते हैं वो वाला हीटर हो गया, आयरन हो गया, आयरन के अंदर यूज़ करते हैं नाइक्रोम वायर को, समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, कंडक्शन बैंड यस में रहता है, और ज़्यादा एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन आपस ही में टकराना स्टार्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट फ्लो सही से नहीं होगा, तो एनर्जी का तो कंजर्वेशन होना चाहिए ना, एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हो ना बर्बाद कर सकते हो, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आ ही रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आ ही रहा है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में बाहर आना स्टार्ट होगा, तो हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होता है, कंडक्टर में जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या होता है, बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि कंडक्टर में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे और इलेक्ट्रॉन खुद में क्या करेगा, कोलाइड करना स्टार्ट कर जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट कम फ्लो होगा, समझ पा रहे हो बात? यस सर अब इन यस सेमी सर कंडक्टर में क्या होता, बताओ सेमी कंडक्टर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, बोल पाओगे, आराम से बोलो, चलो कोई बता पाएगा, तो थोड़ा सा दिमाग ला के बोलो, कोशिश करो, सेमीकंडक्टर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? करंट अच्छे से फ्लो करेगा। हाँ देखो, सेमीकंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फायदा है ना इसको, क्या होगा, सेमीकंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उल्टा सेमी क्या है, सेमीकंडक्टर को फायदा है, क्यों, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये सब जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को गेन करके कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और कंडक्शन बैंड में तो चाहता ही है कि सेमी कंडक्टर की इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला है और हम करंट फ्लो को आना स्टार्ट कर दें, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, सेमी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस घटता है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे हम बढ़ाते हैं सेमी कंडक्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन सब क्या करता है, आपस में जो एटम से बॉन्ड बनाया वो सब तोड़ता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, आउट करके वैलेंस बैंड से कहाँ चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है और करंट फ्लो होने में हेल्प होता है, समझ में आ रहा है? तो सेमी कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस, बोलो, बढ़ता है या घटता है? घटता है। है ना? तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा इसके साथ, तो हम लोग जो सेमी कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब क्या, इसको ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से उठ करके कहाँ चला जा रहा है, कंडक्शन बैंड में चला जा रहा है, इसमें नहीं हो रहा था, इसमें इसमें ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में था ही, तो और जो एनर्जी दे रहे थे तो इलेक्ट्रॉन आपस ही में टकराना स्टार्ट कर गया, जिसकी वजह से करंट फ्लो होने में क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया, समझ पा रहे हो बात? तो इसमें क्या हो जाए, कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता, लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता, इलेक्ट्रॉन सब सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में उस एनर्जी को यूज़ करके चला जाता, समझ में आ रहा है? तो कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस, बताओ, घटता है, तो यहाँ पे तुमको ग्राफ आएगा बनाने के लिए,
मान के लो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग रेजिस्टेंस को, वाया किस में क्या लिखे हैं, रेजिस्टेंस। ऐसा समझ पा रहे हो सब लोग? यस सर। आ रहा है सेमी कंडक्टर कंडक्टर में क्या क्यों ऐसा हो रहा है? इधर आ गया टेम्परेचर। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा बोलो, ऐसे ऐसे बढ़ेगा। सही बात है कि नहीं? कंडक्टर के अंदर, इन सेमी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। तो देखो ऐसे करके घटेगा, ठीक है? तो हम लोग देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं, है ना? देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे, इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, देखो ग्राफ नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। समझ पा रहे हो बात? अरे बोलो। यस सर। तो ये वाला ग्राफ आएगा, इसको भी याद रखना, सॉरी। तो ये वाला ग्राफ किसके लिए है, नंबर वन वाला ग्राफ किसके लिए बोल पाओगे? नंबर वन वाला ये किसके लिए ग्राफ है, कंडक्टर कंडक्टर। के लिए हाँ तो याद रखना ये वाला ग्राफ कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। और सेमी कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटता है। क्यों घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्यों घटता है सेमी कंडक्टर में, बताओ? टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सब उस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है सेमी कंडक्टर के अंदर, है कि नहीं? उस एनर्जी को गेन करके तो उल्टा फायदा है, करंट फ्लो होने में हेल्प होगा ना। कंडक्टर के अंदर तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पहुंचा हुआ जाता है कंडक्शन बैंड में, तो आपस में टकराना स्टार्ट किया जाएगा और एनर्जी देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है उस केस में। सेमी कंडक्टर में ऐसा नहीं होता। समझ पाए यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलो अब यहाँ पे कुछ नया बात। दो तरह का सेमी कंडक्टर होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योर सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं? एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर सेमी कंडक्टर। एक होता है एक्सट्रिंसिक, एक होता है इंट्रिंसिक। दो तरह का सेमी कंडक्टर होता है, यहाँ पर जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर, इम्प्योर सेमी कंडक्टर इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना? ये क्या होता है एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, एक होता है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, ठीक है ना? तो इम्प्योर एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कैसा होता है, इम्प्योर सेमी कंडक्टर होता है। कैसा सेमी कंडक्टर होता है? अरे बोलो। इम्प्योर। इम्प्योर सेमी कंडक्टर होता है, ठीक है? अच्छा इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कैसा होता है, प्योर सेमी कंडक्टर होता है। एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, एक होता है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मतलब क्या, ये जो सेमी कंडक्टर होता है इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर, ये कैसा होता है, प्योर सेमी कंडक्टर होता है, प्योर सेमी कंडक्टर। अच्छा एक नया नया टर्म यहाँ पे समझ में आया। दो तरह का सेमी कंडक्टर, एक होता है एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर, एक होता है इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर। एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर जो होता है वो होता है इम्प्योर सेमी कंडक्टर, प्योर नहीं होता, इम्प्योर होता है। इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर जो होता है वो कैसा होता है, प्योर सेमी कंडक्टर होता है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सर। ठीक है ना? तो हम लोग प्योर सेमी कंडक्टर का यूज़ नहीं करते, हम लोग कैसा यूज़ करते हैं, इम्प्योर सेमी कंडक्टर। समझ में आ रहा है? प्योर सेमी कंडक्टर को इम्प्योर बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाते हैं, उसके अंदर डोपिंग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, डोपिंग। नया चीज़, डोपिंग का मतलब क्या होता है, एक यह प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग सेमी कंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटीज डालते हैं, डोपिंग। ये सब नया नया पूछेगा, छोटा छोटा टर्म है, पूछता है व्हाट इज डोपिंग, द प्रोसेस ऑफ, एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या कहते हैं हम लोग, इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू अ सेमी कंडक्टर, कंडक्टर।
सॉरी, सेमीकंडक्टर, वह प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्यूरिटीज डालते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटीज टू अ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है, वह प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर हम लोग सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटीज डालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डोपिंग। अब इम्प्यूरिटीज कैसा कैसा, इम्प्यूरिटीज मतलब ट्राई वैलेंट एलिमेंट, वह एलिमेंट जिसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, वह एलिमेंट जिसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, पेंटा वैलेंट एलिमेंट, ट्राई वैलेंट एलिमेंट, ये सब एलिमेंट से क्या कहते हैं हम लोग, डोपिंग कहते हैं। ये सब इम्प्यूरिटीज के तौर पे यूज़ करते हैं। कौन कौन सा, पेंट ट्राई वैलेंट एलिमेंट, है ना। ट्राई वैलेंट एलिमेंट कोई बोल सकता है नाम, ट्राई वैलेंट एलिमेंट का नाम बता पाओगे कोई, जिसके वैलेंस सेल में लास्ट वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। अरे बोलो कोई, हेलो नहीं बोलोगे, अल्मोनियम, अल्मोनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है, वैलेंस सेल में 283, लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता। पेंटा वैलेंट एलिमेंट का नाम बताओ कोई आदमी, पेंटा वैलेंट एलिमेंट का नाम, ये भी नहीं बोलना है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 होता है, 2.8.5, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, फॉस्फोरस पेंटा। तो ये सब क्या है, ये सब इम्प्यूरिटीज के तौर पे यूज किया जाता है। ये सब किस तौर पे यूज किया जाता है बोलो, इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज के तौर पे है, मतलब इम्प्यूरिटीज, हाँ। तो हम लोग क्या कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ये सब इम्प्यूरिटीज क्या कहते हैं, डालते हैं, तब वो क्या बन जाता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, इम्प्योर, समझ में आ रहा है बात। तो सिर्फ प्योर सेमीकंडक्टर हम लोग सर, यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, उस प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, कुछ इम्प्यूरिटीज़ ऐड करके। कौन कौन सा इम्प्यूरिटीज, जैसे हो गया ट्राई वैलेंट एलिमेंट हो गया, पेंटा वैलेंट एलिमेंट हो गया, ये सबको ऐड करके हम लोग क्या कहते हैं उसको, इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनाते हैं, मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं। अब देखो ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना, इसी का दो हिस्सा होता है, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ पा रहे हो क्या, यस सर, ठीक है, समझो, फिर से समझो, फिर से यस सर, समझो। सेमीकंडक्टर दो तरह का, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझ में आ रहा है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है प्योर सेमीकंडक्टर। तो समझ में आ रहा है, तो प्योर सेमीकंडक्टर हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, इस प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर बनाते हैं। इम्प्योर कैसे बनाते हैं, डोपिंग करके बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इम्प्योर डोपिंग करके। अच्छा डोपिंग सर, करके, डोपिंग क्या है, डोपिंग ये टेक्निकल टर्म ये क्या है, तो वह प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसको यूज करके हम सेमीकंडक्टर के अंदर क्या कहते हैं, इम्प्यूरिटीज डालते हैं, है ना। प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर क्या कहते हैं, इम्प्यूरिटी डालते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटीज टू अ सेमीकंडक्टर, एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्यूरिटीज डालते हैं। वो कैसा इम्प्यूरिटीज होगा सर, ट्राई वैलेंट एलिमेंट होगा, पेंटा वैलेंट एलिमेंट होगा, ये सब एलिमेंट क्या किया जाएगा, इम्प्यूरिटीज के तौर पे प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग डालेंगे, डोपिंग करेंगे, तब वो कैसा बन जाएगा, इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन जाएगा, मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, अरे बोलो। यस यस सर, नहीं बोलना है किसी को, समझ हाँ सर, में हाँ आया सर, है यहाँ हाँ तक। हाँ अब सुनो, अब सुनो, अच्छा, अगर हाँ सर, हाँ अगर ट्राई वैलेंट एलिमेंट तुम ऐड कर रहे हो, ठीक है ना, तो एक्सट्रेंस, अब ये जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है इसी का दो हिस्सा होता है, एक होता है एन टाइप, ये क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ पा रहे हो क्या, है ना। तो एन यस टाइप, सर, हाँ तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्यूरिटीज जो ऐड करते हैं वो कैसा ऐड करते हैं, पेंटा वैलेंट इम्प्यूरिटीज। कैसा इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं, पेंटा वैलेंट, वह एलिमेंट जिसका वैलेंसी कितना हो, इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, उसको डालते हैं, ठीक है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। तो पेंटा वैलेंट कौन है यहाँ पे, फॉस्फोरस, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है,
नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन हाँ सर। है ना। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर कौन सा इम्प्यूरिटीज डाला जाता है? पेंटा वैलेंट एलिमेंट डाला जाता है इम्प्यूरिटी के तौर पे, डोपिंग। हाँ तो पूछेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसका डोपिंग किया जाता है, तो पेंटा वैलेंट एलिमेंट का, समझ में आ रहा है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में किसका डोपिंग किया जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में किसका डोपिंग किया जाता है, कौन सा एलिमेंट का बोल पाओगे? अरे पेंटा हो गया तो क्या बचा, यस सर कौन सर सा? ट्राई 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 वैलेंट, वैलेंट ट्राई वैलेंट एलिमेंट का। ट्राई वैलेंट एलिमेंट का नाम बताओ, ये भी तो लिखा हुआ है, अल्मोनियम। क्या अल्मोनियम समझ में आया? एक होता है इंट्रेंसिक यस सर सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर होता है। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। तो हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर को ही काम में लेते हैं। हाँ तो कैसे बनेगा वो? प्योर के हेल्प से ही बनेगा। प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर क्या करेंगे हम लोग? डोपिंग करेंगे। डोपिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटीज डालते हैं, उसको फिर हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। अब वो जो डोपिंग करेंगे हम लोग, कैसा कैसा एलिमेंट क्या करेंगे, ट्राई वैलेंट एलिमेंट या पेंटा वैलेंट एलिमेंट का हम लोग क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे। समझ में आ रहा है? तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यस जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग पेंटा वैलेंट एलिमेंट डालते हैं, वह एलिमेंट डोपिंग किसका किससे कराते हैं हम लोग? एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर किसका डोपिंग कराते हैं हम लोग? एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर किसका डोपिंग कराते पेंटा हैं? वैलेंट पेंटा वैलेंट एलिमेंट। जैसे क्या हो गया एग्जांपल, फॉस्फोरस। समझ में आ रहा है? और पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर यस किसका सर डोपिंग कराते हैं हम लोग? ट्राई वैलेंट एलिमेंट, ट्राई जैसे वैलेंट अल्मोनियम। समझ में आ रहा है क्या? यस सर यस सर तो ये यस है बात। सर अच्छा अब एन टाइप पी टाइप के बीच का डिफरेंस भी आता है, इसका हम डायग्राम भी बनाएंगे कैसे बनाया जाता है वो सब, है ना। तो देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या कहता है, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी डाला जाता है यूज फॉर डोपिंग। समझ देखो टर्म सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जब पढ़ोगे तो समझ में आना चाहिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ दिया, कैसा टाइप का सेमीकंडक्टर है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज के तौर पर क्या ऐड किया जाता है, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है, किस तौर पर? डोपिंग के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटा वैलेंट इम्प्योरिटी यूज किया जाता है, किस लिए? डोपिंग के लिए। अरे सही है। हाँ सर और इधर किसी को तकलीफ ही आता है, प्रॉब्लम है बोलो। नहीं अल्तमस, क्या नाम है, और फरीद, फरीदीन, वजीहा, हाँ सर आ रहा है कोई डाउट यहाँ तक? नहीं डाउट है कुछ? सर ठीक है यहाँ नहीं तक? सर यहाँ तक ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक हाँ रखते हैं हम लोग यहीं तक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एन टाइप पी टाइप के ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे, सर ठीक है। ओके सर।